गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर अप टू द मिड पार्ट ऑफ पेज नंबर 150, राइट? व्हेन चुबको एंटर्स एंड व्हेन ही हर्ड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन लोमोव एंड हिज डॉटर, ठीक है? जब ये कॉन्वर्सेशन सुनता है चुबको, उसके क्या एक्सप्रेशंस होते हैं? एक पैराग्राफ को हमने कंप्लीट कर लिया था. Now Lomo, I don't understand how have you the right to give away somebody else's property. देखिए चुबको लोमोव कहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपको किसने हक दिया किसी और की प्रॉपर्टी को किसी दूसरे या थर्ड पर्सन को देने के लिए. क्योंकि इससे पहले चुबको ने कहा था, अगर तुम ज़्यादा झगड़ा करोगे, ज़्यादा कुछ इस बारे में बोलोगे, तो मैं जल्द ही दिखा दूंगा कि मैं इस लैंड को, ऑक्सन मिडोज को किसको सुपुर्द कर दूंगा, पीजेंट्स को सुपुर्द कर दूंगा. तो इसलिए लोमोव कहता है कि आपको कोई हक नहीं है. चुबको, यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट. तुम इसे अपने अंदाज में ले सकते हो, यानी कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरे को हक है या नहीं, तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो. बिकॉज यंग मैन आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस. क्योंकि मैं आदी नहीं हूँ, आई एम नॉट इन अ हैबिट टू से लाइक दिस, टू स्पीक लाइक दिस, ठीक है? मैं ऐसी टोन में बात करने के आदि में नहीं हूँ, मुझे ऐसा बोलना आता ही नहीं है जिस तरह से तुम चिल्ला रहे हो. एंड सो ऑन. आई यंग मैन आई एम ट्वाइस योर एज. मैं तुमसे डबल एज का हूँ और एक्सपीरियंस्ड भी हूँ. एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एजिटेटिंग योर सेल्फ एंड ऑल दैट. और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अपने आप को बिना गुस्सा दिलाए, बिना एग्रेसिव किए तुम कुछ भी कह सकते हो, लेकिन इतना एग्रेसिव और एजिटेट मत करो अपने आप को. ये किसने राय दी? चुबको ने. लोमोव, नो यू जस्ट थिंक आई एम फूल. केवल आप सोचते हैं कि मैं मूर्ख ही हूँ. एंड वॉन्ट टू हैव मी ऑन, ओके? यू कॉल मी हैन. यू कॉल माई लैंड योर्स. आपने मेरी लैंड को अपना बताया. एंड देन यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली. और आप बात करते हैं कि मैं शांति से और नम्रता से बात करूँ. हाउ कैन इट बी पॉसिबल, ठीक है ना? ये कैसे संभव है जब मेरी लैंड को आप अपना बता रहे हैं और इस पर भी मैं अगर चुप रहूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता. गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट. यानी कि अच्छे नेबर्स ऐसा बिहेव नहीं करते. स्टीपैन स्टीपैनोविच, यू आर नॉट अ नेबर, यू आर अ ग्रैबर. ओके, लोमोव कहते हैं कि आप एक नेबर नहीं हैं, आप तो जमीन हड़पने वालों में से हैं. चुबको, व्हाट्स दैट? क्या बात करते हो? व्हाट डिड यू से? क्या कहा तुमने? फिर से कहना जरा. नताल्या, पापा सेंड द मॉवर्स आउट टू द मेडोज एट वंस. यानी कि कटिंग मशीन को फटाफट कहाँ भेजा जाए? ऑक्सन मेडोज की तरफ भेजा जाए. चुबको, व्हाट डिड यू से? क्या कहा तुमने? नताल्या, ऑक्सन मेडोज आर आर्स. ऑक्सन मेडोज हमारी ही हैं. एंड आई शैंट गिव दैम अप. और मैं इसे किसी को लेने नहीं दूंगी. शैंट गिव दैम अप, शैंट गिव दैम अप. यानी कि मैं इसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी. लोमोव कहता है, वील सी, हम देखेंगे. आई विल हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट. यदि ऐसे बात नहीं सुलझती है तो मैं इस मैटर को कोर्ट तक ले जाऊंगा. एंड देन आई विल शो यू. तब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ. चुबको, टू कोर्ट क्वेश्चन मार्क है. कोर्ट तक ले जाओगे क्या? यू कैन टेक इट टू कोर्ट एंड ऑल दैट. जो भी करना है तुम कर सकते हो. तुम कोर्ट ले जाओ या कहीं और भी. यू कैन, तुम कर सकते हो. आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ. यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर अ चांस टू गो. अब देखिए हम नेक्स्ट पेज पे पहुँचने वाले हैं स्टूडेंट्स. तुम्हें तो केवल चांस मिलना चाहिए कोर्ट में जाने का, और ढूंढ रहे हो शायद तुम ऐसा मौका. एंड ऑल दैट, ओके, यू पेटीफॉगर, ऑल योर पीपल वर लाइक दैट, ऑल ऑफ देम. पेटीफॉगर और कुछ ऐसे वर्ड्स इसमें यूज होंगे जो लाइक अब्यूज जो है आपस में ये लोग बोलते हैं. लोमोव, नेवर माइंड अबाउट माई पीपल. मैं अपने लोगों की परवाह नहीं करता. द लोमोव्स हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल. लोमोव फैमिलीज जो हैं वो हमेशा से ही ऑनरेबल फैमिली रही हैं. एंड नॉट वन हैज़ एवर बीन ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट लाइक योर grandfather. लोमोव कहता है कि आपके grandfather की तरह किसी ने भी बिजनेस में धोखाधड़ी नहीं की है, और ना ही किसी के बिजनेस में घाटा किया है, ना ही किसी को लॉस पहुंचाया है. चुबको, यू लोमोव हैव हैड lunacy इन योर फैमिली. क्या तुम्हारी फैमिलीज में पागलपन है किसी तरह का? क्या आप तुम लोग इतने क्रेजी हो, ऑल ऑफ यू? नताल्या, ऑल ऑल ऑल. ये केवल यही नहीं, इस घर के सभी मेम्बर्स ही lunatic हैं. ओके, चुबको,
योर ग्रैंड फादर वॉज अ ड्रंकर्ड. अब चुप, अब एक दूसरे पर ये लोग ब्लेम्स कर रहे हैं, देखिए पैटी इश्यूज को लेकर. योर ग्रैंड फादर वॉज अ ड्रंकर्ड, तुम्हारे ग्रैंड फादर तो ड्रंकर्ड थे. एंड योर यंगर आंट ओके नस्तासिया रैन अवे विद एन आर्किटेक्ट एंड सो ऑन. चुपको कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी आंटी जो है वो भाग गई थी आर्किटेक्ट के साथ, और कुछ इस तरह की बात थी. लोमोव एंड योर मदर वॉज हम बैक्ड ओके क्लचेस एट इज हार्ट समथिंग पुलिंग इन माई साइड माई हैड हेल्प वॉट. लोमोव कुछ कहने जा ही रहा था उसकी मदर के बारे में, ठीक है ना, तो लेकिन उतने में ही लोमोव की बॉडी में थोड़ी सी ट्विचिंग मूवमेंट्स होते हैं. जैसा कि उसने पहले भी कहा था, जब वो हड़बड़ाता था या नर्वस होता था तो उसके बॉडी पार्ट्स में ट्विचिंग मूवमेंट होते थे. कभी कोई पार्ट बॉडी पार्ट खिंच जाता था, लाइक कंधा, हाथ, आँख, ओके. तो पुलिंग इन माई साइड माई हेड हेल्प वाटर, वो चिल्लाता है मुझे पानी की आवश्यकता है. चुबको योर फादर वॉज अ गजलिंग गैम्बलर. चुबको कहते हैं कि तुम्हारे फादर तो बहुत ही पक्के जुएबाज थे नतालिया. एंड देयर हैवेंट बीन मैनी बैक बाइटर्स टू इक्वल योर आंट. और नतालिया कहती है कि कोई भी बैक बाइट जो करने वालों में सबसे तेज और सबसे शार्प कौन थी, तुम्हारी आंटी. उनकी उनका मुकाबला या उनकी बराबरी बैक बाइटिंग में कोई नहीं कर सकता. ये किसने कहा, नतालिया ने. चुपको माई लेफ्ट फुट हैज़ गॉन टू स्लीप. चुपको कहते हैं है ना, यू आर एन इंटीरियर ओ माई हार्ट एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शंस यू I can see stars. Where is my hat? Natalia, it's low, it's dishonest, it's me. Chubko, and you are just a malicious double-faced interviewer. Okay, yes. Lomov, here is my hat, my heart. Which way? Where is the door? Oh, I think I am dying. My foot's quite numb. अब देखिए जो फूट वाला जो पैराग्राफ था जो ऊपर आपने पढ़ा है वो लोमोव के ही वर्ड्स थे, ठीक है ना, क्योंकि लोमोव के बॉडी मूवमेंट्स और उसके बॉडी पार्ट्स में अलग तरह का मोशन स्टार्ट हो जाता था जब वो नर्वस या गुस्से में होता था. तो इसलिए चुबको की जगह यहाँ लोमोव है, वो कहते हैं कि मेरा लेफ्ट फूट जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो सो गया है, सुन पड़ गया है. यू आर एन इंटीग्रियर, तुम बहुत ही हस्तक्षेप करने वालों में से हो. माई हार्ट एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट इलेक्शंस यू आई कैन सी स्टार्स. वेयर इज माई हैट, मेरी हैट कहाँ है. नतालिया, इट्स लो, इट्स डिसऑनेस्ट, ये बहुत ही बेईमानी की बात है, ये बहुत ही नीच बात है. चुबको एंड यू आर जस्ट मैलिशियस, बहुत ही डबल फेस्ड इंटरफियर करने वालों में से हो तुम. चुबको ने कहा बहुत ही भद्दे हो तुम, बहुत ही नीच हो तुम. डोमो, हियर इज माई हैट ओके माई हार्ट. विच वे, वेयर इज अ डोर ओ आई थिंक आई एम डाइंग, मुझे लग रहा है कि मैं मर रहा हूँ. माई फूट्स क्वाइट नम, और मेरा पाँव बिल्कुल सुन्न पड़ता जा रहा है. गोज टू द डोर, दरवाजे की तरफ वो जाता है. चुबको क्या कहते हैं, फॉलोइंग हिम, उसका पीछा करते हुए, उसके पीछे पीछे जाते हुए. एंड डोंट सेट फूट इन माई हाउस अगेन, और दोबारा मेरे घर में कदम मत रखना. नतालिया, टेक इट टू कोर्ट, विल सी, इसे ले जाओ तुम जहाँ ले जाना चाहते हो, इस मैटर को कोर्ट में ले जाओ. लोमोव स्टैगर्स आउट. चुबको, दे विल टेक हिम, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं, धिक्कारते हैं, कर्स करते हैं, एक्यूज देते हैं. वॉक्स अबाउट इन एक्साइटमेंट ओके, वो चलता है एक्साइटमेंट में, जाता है वहाँ से. नतालिया, व्हाट अ रास्कल, व्हाट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वंस नेबर्स आफ्टर दैट. इस इंसिडेंट के बाद कोई अपने पड़ोसियों पर कैसे विश्वास करेगा. चुबको, द विलन, ये तो एक विलन है, द स्केयरक्रो है ये. स्केयरक्रो यानी कि जिससे, जिसको देखकर डर जाते हैं, फील्ड्स में स्केयरक्रो लगाते हैं, एनिमल्स देख के डर जाते हैं, ये उस स्केयरक्रो की तरह ही है. ओके नतालिया, द मॉन्स्टर, ये तो एक मॉन्स्टर है, एक राक्षस है. फर्स्ट ही takes out land and then he has the impudence to abuse us. ठीक है ना, नतालिया कहती है पहले तो ये हमारी लैंड लेता है और उसके बाद हमें अब्यूज करता है. चुपको, and that blind hand, yes. Okay, that turnip ghost has the confounded cheek to make a proposal and so on. What a proposal. अब चुपको देखिए कहता है कि एक ऐसा इंसान उसको abusing words देता है, turnip ghost कहकर बुलाता है, ठीक है ना, जिसका एक ऐसा ghost जिसका face एक turnip के आकार का होता है, ठीक है ना, और उसे ये कहता है कि इस पर धिक्कार है कि ये ऐसा proposal लेकर आया, मतलब ये proposal लेकर आया तुम्हारे लिए, अपनी बेटी को बताता है. तो व्हाट अ प्रपोजल नतालिया,
वॉट प्रपोजल? अब नतालिया को अब पता चलता है कि वो प्रपोजल लेकर आया था, इस बारे में तो उसे पता ही नहीं था। चुब को, वाई ही केम हियर टू प्रपोज टू यू? अरे वो यहाँ प्रपोज करने ही तो आया था तुम्हें नतालिया। टू प्रपोज, प्रपोज करने टू मी, और वो भी मुझे। वाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चुब को, सो ही ड्रेसेज अप इन इवनिंग क्लोज, द स्टफ्ड सॉसेज, द वाइजन फेस्ड फ्रम्प। ये भी ब्लेमिंग वर्ड्स हैं, अब्यूजिंग वर्ड्स हैं जो चुब को कहते हैं, किसके लिए? लोमोव के लिए। वो कैसे आ सकता है यहाँ तुम्हें प्रपोज करने? राइट, नेक्स्ट वीडियो हम इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, और ये प्रपोजल इस चैप्टर की जो वीडियो है ये रनिंग रहेगी, एक दो दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो हम स्कूल में नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।